चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात दौरे की। तो गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूरत में मीडिया से मुखातिब हुए। संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आज पूरे देश में तनाव का माहौल है, देश में हालात गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है। हम बेहतर एजुकेशन और मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भी भेज रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए कोचिंग व्यवस्था भी दे रहे हैं, हमने कर्मचारियों के लिए RGHS और OPS लागू किया। हमें गुजरात में गुड गवर्नेंस का एक मौका देना चाहिए। हम राजस्थान में लागू तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। कांग्रेस वाले बड़े दिलवाले होते हैं। हमने 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। काला झंडा दिखाने पर केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। हमने मोदी जी से OPS लागू करने की मांग की है। नया मॉडल लाए हैं, जीते कोई सरकार बीजेपी बनाती है। आने वाले का स्वागत, जाने वाले का स्वागत, कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है। तो तमाम समसामयिक मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी और साथ ही उन्होंने ये भी अपनी बात के दौरान जिक्र किया कि किस तरीके से राजस्थान में गहलोत सरकार बेहतर काम कर रही है, तमाम योजनाएं आम लोगों के लिए लाई गई है जिसके माध्यम से आम लोगों को संबल मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में तनाव का माहौल है, देश में हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है, हम बेहतर एजुकेशन और मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भी भेज रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए कोचिंग व्यवस्था भी दे रहे हैं, हमने कर्मचारियों के लिए RGHS और OPS लागू किया, हमें गुजरात में गुड गवर्नेंस का एक मौका देना चाहिए, हम राजस्थान में लागू तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, कांग्रेस वाले बड़े दिल वाले होते हैं, हमने 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, काला झंडा दिखाने पर केस दर्ज करवा दिए जाते हैं, हमने मोदी जी से OPS लागू करने की मांग की है, नया मॉडल लाए हैं, जीते कोई सरकार बीजेपी बनाती है, आने वाले का स्वागत, जाने वाले का स्वागत, कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 की तैयारियां जोरों पर है। इस बार तीर्थराज पुष्कर में भरने वाला मेला होगा बेहद खास। अयोध्या की तर्ज पर ब्रह्म सरोवर पुष्कर पर होगा दीपदान। 1.25 लाख दीपकों की रोशनी से जगमग होगा पवित्र सरोवर। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु पुष्कर मेले में हर साल होते हैं शामिल। मेले में कई राज्यों के पशु व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडारोहण कर करेंगे पुष्कर मेले का आगाज। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे पुष्कर वासियों को भी बड़ी सौगात। ब्रह्मा मंदिर, एंट्री प्लाजा और रैंप का भी करेंगे लोकार्पण। मेले में सैलानियों के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था का भी करेंगे श्री गणेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर तमाम अधिकारी एक्टिव मोड पर हैं। तो मुख्यमंत्री को दौरे को लेकर के एक और, तो जहां तमाम आला अधिकारी एक्टिव मोड पर है, तमाम तैयारियों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, तो वही कोशिश और कवायद यही है कि एक भव्य आयोजन यहां पर हो और दिव्य आयोजन यहां पर हो। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की बात हम कर रहे हैं जिसकी तैयारियां जोरों पर जारी है। इस बार तीर्थराज पुष्कर में भरने वाला मेला बेहद खास होगा। अयोध्या की तर्ज पर ब्रह्म सरोवर पुष्कर पर होगा दीपदान। 1.25 लाख दीपकों की रोशनी से जगमग होगा पवित्र सरोवर। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु पुष्कर मेले में हर साल होते हैं शामिल। मेले में कई राज्यों के पशु व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडारोहण कर करेंगे पुष्कर मेले का आगाज। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे पुष्कर वासियों को भी बड़ी सौगात। हिमाचल प्रदेश में बागियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी बीजेपी। हिंदुस्तान टाइम्स में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये इंटरव्यू। बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं से उन्होंने अपील की है, नाम वापस नहीं लेने वाले बागियों पर कार्रवाई करेगी बीजेपी। ऐसे नेताओं के खिलाफ की जाएगी अनुशासन की कार्रवाई। तो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बागियों के खिलाफ ये बीजेपी के द्वारा कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान टाइम्स में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंटरव्यू दिया और कहा कि बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं से अपील है, नाम वापस नहीं लेने वाले बागियों पर कार्रवाई करेगी बीजेपी। ऐसे नेताओं के खिलाफ की जाएगी अनुशासन की कार्रवाई। अब सूरत में दिखेगा कांग्रेस का शेखावाटी रंग। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरत में ली मीटिंग, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ली मीटिंग। नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को भी बुलाया सूरत। दरअसल सूरत में बड़ी संख्या में रहते हैं शेखावाटी के लोग। ऐसे में राजकुमार को दी गई है सूरत क्षेत्र की जिम्मेदारी। प्रवासी राजस्थानियों ने की गहलोत और राजकुमार से मुलाकात। अब शेखावाटी के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का हो रहा है प्रयास। ऐसे सूरत में पहले से लोकप्रिय हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर राजकुमार। तो जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे तमाम पार्टियां अलग अलग रणनीति को लेकर के अपना पूरा फोकस इन चुनाव पर लगा चुकी हैं।
तो वहीं अब आपको कांग्रेस का शेखावाटी रंग भी गुजरात में नजर आएगा। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरत में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग ली। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की उन्होंने ये मीटिंग ली थी। इस दौरान नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को भी सूरत बुलाया गया। दरअसल सूरत में बड़ी संख्या में शेखावाटी के लोग रहते हैं और यही वजह कि यहाँ पर अब शेखावाटी के रंग आपको देखने को मिलेंगे और इन शेखावाटी के लोगों को साधने की कोशिश और कवायद रहेगी कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में निकाय पंचायतों में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 35 सरपंच 14 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज समेत 14 नगरीय निकायों के 14 वार्डों, 14 पंचायत समिति सदस्यों, 35 सरपंच, 47 उप सरपंच, 465 वार्ड मेंबर्स के चुनाव के लिए 25 नवंबर को होगा मतदान। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड 66, बीकानेर के वार्ड 5 में भी उपचुनाव। इसके अलावा नगर पालिका अंता 12 के वार्ड 3, छपड़ा के वार्ड 15, बूंदी के वार्ड 54, नगर परिषद चित्तौड़गढ़ 28, नगर पालिका सरदार शहर वार्ड 32, नगर पालिका लालसोट के वार्ड 30, नगर परिषद जैसलमेर के वार्ड 2, नगर पालिका चिड़ावा के वार्ड 5, नगर पालिका फलोदी के वार्ड 31, नगर परिषद करौली के वार्ड 6, नगर पालिका रामगंज मंडी के वार्ड 10, नगर पालिका पदमपुर के वार्ड 21 में होगा मतदान। इन नगर निकायों में 10 से 14 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन। सरपंच और वार्ड मेंबर्स के लिए 17 से 19 नवंबर को नामांकन दाखिल हो सकेंगे। जरूरत पड़ने पर मतदान के बाद और शेष में 27 नवंबर को होगी मतगणना। तो जहां जहां पर जरूरत होगी वहां पर मतगणना की जाएगी, वोटों की काउंटिंग होगी और उसके आधार पर चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो राजस्थान में निकाय पंचायतों में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 35 सरपंच 14 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज समेत 14 नगरीय निकायों के 14 वार्डों में ये चुनाव होना है। तो ऐसे में चुनाव को लेकर बेहद रोचक माहौल भी रहेगा और देखना यही महत्वपूर्ण कि किस तरीके से कैंडिडेट्स के नाम सामने आते हैं और कौन कौन जीत दर्ज कराए। प्रदेश में इस बार सर्दी दिखाएगी अपने तेवर। इस सीजन में 4 महीने पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी का असर बढ़ेगा तो 6 नवंबर से मध्य भारत में बढ़ेगी ठिठुरन। एक हफ्ते में 2 पश्चिम विक्षोभ का रहेगा असर। विक्षोभ से 15 राज्यों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। 6 से 7 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तेजी से गिरेगा पारा। तो मौसम की बात हम कर रहे हैं तो प्रदेश में इस बार सर्दी अपने पूरे तेवर दिखाने वाली है। इस सीजन में 4 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी का असर बढ़ेगा। 6 नवंबर से मध्य भारत में बढ़ेगी ठिठुरन तो वहीं एक हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर। विक्षोभ से 15 राज्यों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। 6 से 7 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तेजी से पारा गिरेगा। हटेगी वीरानी और गुलजार होगा जैसलमेर एयरपोर्ट। जैसलमेर एयरपोर्ट पर एक साथ 5 फ्लाइट शुरू होंगी। कल से लगने वाले विंटर शेड्यूल में चलेगी फ्लाइट। अभी एक भी फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है। जैसलमेर एयरपोर्ट से फ्लाइट SG4016 जैसलमेर से सुबह 9:55 पर जाएगी जयपुर। फ्लाइट SG441 जैसलमेर से दोपहर 3:50 पर जाएगी मुंबई। फ्लाइट SG124 जैसलमेर से दोपहर 12:40 पर जाएगी दिल्ली। फ्लाइट SG3758 जैसलमेर से शाम 5 बजे जाएगी दिल्ली।